फिर आपकी दया से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। नरसी भगत कृष्ण के चरणों में गिर जाता है और रोते रोते कहता है कि भगवन, सारा संसार मेरी भक्ति का मजाक बनाता था, परंतु आपने आकर सभी को शांत कर दिया और मेरी बिटिया का भात भरकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। नरसी भगत श्री कृष्ण से कहते हैं, धन धान्य तुमने मुझको इतना प्रभु दिया है। धन धान्य तुमने मुझको इतना प्रभु दिया है। हर काम मेरा तुमने आसान कर दिया है। के घर में भगवन गुणगान हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। नरसी भगत की तरह अपने बचपन के मित्र सुदामा पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपार कृपा की। जब सुदामा फटेहाल श्री कृष्ण के महल में आया तो श्री कृष्ण ने उसे अपने सिंहासन पर बिठाया, उसके लाए हुए दो मुट्ठी चावल भी खाए और उसको आदर के साथ विदा किया। सुदामा रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि कृष्ण के पास वो मदद के लिए आया था, परंतु कृष्ण ने उसकी कोई मदद नहीं की। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी महल बन चुकी है और सभी तरह के ठाट और पाट उसके घर में श्री कृष्ण की कृपा से ही हो गए थे। सुदामा श्री कृष्ण की कृपा का बखान करते हुए कहते हैं, दो मुट्ठियों में भर कर तंदूल तुमने खाया। दो मुट्ठियों में भर कर तंदूल तुमने खाया। मैं तो था एक भिखारी, राजा मुझे बनाया। तेरा हर पल मेरे श्याम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है।
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे, लेकिन कोई द्रौपदी की सहायता नहीं कर सका। तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण तुरंत उसकी मदद करने चले आए। बैठे थे सब सभा में, कोई न काम आया। बैठे थे सब सभा में, कोई न काम आया। तुमने ही मान मेरा आकर मोहन बचाया। मान से ही मेरा प्रभु मान हो रहा है। मेरा आपकी दया से हर काम हो रहा है। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान ने न जाने कितने भक्तों का उद्धार किया। कुब्जा सदना कसाई, मीरा और न जाने कितने भक्तों पर वंशी वाले कृष्ण की कृपा रही। कुब्जा को तुमने तारा, मीरा को तुमने तारा। जाने कितनों को ही भव पार है उतारा। ना जाने कितनों को ही भव पार है उतारा। शर्मा पे तेरा हर पल एहसान हो रहा।